आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में। आफ्टर सो मच अप्स एंड डाउन्स इस समय स्टॉक में देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रहा है, जिसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, जिसमें एजीएम में जो मैनेजमेंट के तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं करी गई, जो विजनरी 5 ईयर का ग्रोथ प्लान दिया गया और साथ में कुछ ब्रेकिंग न्यूज हमने देखा। इस समय जो एक हडल था, जो एक रेजिस्टेंस था 215-16 के आसपास का, उस रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है और इनिशियल टारगेट जो है मेरा, काफ़ी मैं इस स्टॉक को लेकर के बुलिश हूँ इस समय, 236-40 तक के पहले टारगेट विद इन मैक्सिमम 7 to 10 days और विद इन 15 to 20 days के ड्यूरेशन में जो टारगेट है 250-52 तक के इस स्टॉक में दिख सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस फॉलो करना है 210 के नीचे के क्लोजिंग के को स्टॉप लॉस फॉलो करना है। ओवरऑल पावर सेक्टर को लेकर के अपकमिंग वीक में मेरा पर्सनली व्यू बुलिश है, तो आप चाहें तो 210 के नीचे के स्टॉप लॉस को लगा करके टाटा पावर में पोजिशन ले सकते हैं, या फिर आप डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर या ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करते हैं तो आप बुलिश व्यू लेकर के, आप अप ट्रेंड को लेकर के आप चाहें तो फ्यूचर खरीद सकते हैं और हेज जरूर करें। अगर फ्यूचर आप बाई करते हैं तो श्योरली 220 के आसपास के प्राइस पे फ्यूचर खरीदते हैं तो 230 के आसपास के प्राइस के कॉल को सेल करके आप जिस प्रकार से चाहें तो अपने पोजिशन को हेज करके बुलिश व्यू श्योरली बना सकते हैं।